सोलन में बेसहारा पशुओं का आतंक लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। दर्जनों बेसहारा पशु सड़कों पर इधर उधर बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार गौ संरक्षण के लिए शराब की प्रति बोतल 1 रुपए SS लेकर सरकारी खजाना भर रही है, लेकिन बेसहारा पशु अभी भी सड़कों पर हैं। सोलन में 80 वर्षीय फकीर सिंह पर बेसहारा बैल ने जबरदस्त हमला कर दिया। फकीर सिंह क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में जिंदगी व मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बैल के जबरदस्त हमले के बाद बुजुर्ग बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। बावजूद इसके वहां आसपास सैकड़ों लोग मौजूद खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन इंसानियत मरती हुई नजर आई। किसी ने फकीर सिंह की मदद करने की जहमत नहीं उठाई। वहीं नंद किशोर ने इंसानियत की मिसाल देते हुए घायल बुजुर्ग को क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। बुजुर्ग की हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से आवारा पशुओं पर लगाम लगाने की मांग की है। बात करते हुए नंद किशोर ने बताया कि उन्होंने जब बुजुर्ग व्यक्ति को लहूलुहान देखा तो वह उन्हें अस्पताल ले गए। उन्होंने कहा कि वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बुजुर्ग की मदद करने की जहमत तक नहीं की, जिससे कि मानवता पूरी तरह मर चुकी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वह बेसहारा पशुओं के लिए उचित व्यवस्था करें। आज सुबह जैसे मैं अपने कार से गेट नंबर 2 के पास खड़ा था, तो मैंने एक बुजुर्ग को देखा, जिसको जो है एक आवारा पशु ने टक्कर सिंह से किया। और उसके उपरांत जब मैंने उनकी अवस्था को देखा, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मैंने वहाँ पर बहुत से लोग थे, कम से कम 50-60 लोग, परंतु किसने उनकी और ध्यान नहीं दिया। मैं शीघ्र ही उनको हॉस्पिटल पर जाया, और इस समय वो हॉस्पिटल में जो है जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस समय जो है बड़ी स्थिति नाजुक है। मैं विभाग की ओर जो है विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि वे इस तरह के आवारा पशुओं की ओर उन्हें गौशाला में या कहीं भी ऐसे स्थान पर जो है जहाँ पर जिससे जो है लोगों की सुरक्षा रह सके। मेरा नाम दिलीप है। जो आवारा पशु है इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि हमारे जो चंबा घाट के अंकल जी है तो उनको आज सवेरे बैल ने मारा है, तो इसके ऊपर पाबंदी लगनी बहुत ज़रूरी है सर। किसी को भी मार सकते हैं सर। आज हमारे बुजुर्ग को मारा है, मेरे भाई के ने पिताजी को मारा है, तो इसकी वजह से जो है इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए सरकार इसके बारे में। वहीं घायल फकीर चंद के परिजन ने कहा कि बेसहारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे कभी भी किसी पर भी हमला हो सकता है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग की है। निश्चित तौर पर जमीन पर कार्य करना होगा, हवा में तीर चलने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश सरकार को देखना होगा कि वह जो शराब की प्रति बोतल SS ले रही है, उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है। PLTV के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।